सोचो कि रात को 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है अचानक और आपको अपने सामने एक अंधेरे में काला साया दिखाई देता है। आप चाहते हुए भी ना चीख पाते हो ना वहाँ से भाग पाते हो, यहाँ तक कि आप अपने शरीर को भी नहीं हिला पाते हो। ऐसा लगने लगता है जैसे कि मानो आपको किसी ने जकड़ लिया हो। मेडिकल टर्म में इस टाइप की कंडीशन को बोला जाता है स्लीप पैरालिसिस। और ऑब्वियसली ये बात आपको पता होगी, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि नाइटमेयर वर्ड का यूज पहले इसी कंडीशन के लिए किया जाता था। मतलब नाइटमेयर शब्द को जहाँ आजकल हम हर कंडीशन में यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा भी बुरा सपना आ गया तो हमने बोला यार कल मुझे नाइटमेयर आया था, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब आपको कोई शैतान नींद में जकड़ लेता था तब उस कंडीशन को नाइटमेयर बोला जाता था। और ऐसा क्यों था, इसके पीछे भी था एक बहुत बड़ा रीजन जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सपनों में जब आप अपने शरीर को नहीं हिला पाते तब इस कंडीशन को लोग शैतान के साथ भी जोड़ते हैं। कुछ लोग इसे नाइट हैग मानते हैं। अब ये कोई मिथिकल मॉन्स्टर है, कोई नाइट हैग है, या फिर इसके पीछे है कोई साइंस, जानेंगे हम स्लीप पैरालिसिस के पूरे राज आज के वीडियो में। तो भैया सोने से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। यार बस बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का हड़ू वीडियो। स्लीप पैरालिसिस को नाइट हैग के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये वो मॉन्स्टर है जो रात में आकर लोचा करता है, वो भी तब जब आप गहरी नींद में होते हो। अरे भाई इतनी हिम्मत है तो दिन में आकर दिखाओ, कतई तुमको भी कच्चा बादाम पे नचा देंगे इंडिया वाले। रात के समय पे ऐसा फील होता है जैसे कोई आपकी चेस्ट के ऊपर बैठ गया हो। आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, आप चाहते हो कि उस जगह से उठकर भाग जाओ, लेकिन आप अपना शरीर नहीं हिला पाते। इंसान को ऐसी कंडीशन में सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है और कभी कभी तो आंखें खोलने पर उस इंसान को अपने सामने एक भयानक साया दिखाई देता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को इस काले साये के दर्शन होते ही हों। मतलब कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने इसे देखा होता है। अगर आपने इसे देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। सन 1781 में हेनरी फ्यूसेल ने नाइट पैरालिसिस की एक पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग का उसने नाम दिया था नाइटमेयर। उस पेंटिंग में उन्होंने वो साफ साफ दर्शाया था जो कि लोगों के साथ होता था। लोग कैसा महसूस करते थे जब उनको लगता था कि कोई उनकी चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। इस पेंटिंग में रात के समय लोगों की चेस्ट पर बैठा हुआ एक शैतान दिखाया गया है और हेनरी ने इस पेंटिंग को नाइटमेयर नाम दिया था। तो 1781 के बाद कई सालों तक स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन के लिए नाइटमेयर वर्ड का ही यूज होता आया था। हालांकि फिर बाद में मेडिकल साइंस ने इसको स्लीप पैरालिसिस वाले वर्ड से रिप्लेस कर दिया। देखो समय के साथ साथ इस चीज का नाम तो बदल गया, लेकिन इसमें आज तक होता वही आया है। और इससे रिलेटेड हर जगह दुनिया में अलग अलग कहानियां हैं। कोई उसे भूत चुड़ैलों से रिलेट करता है, कोई मरे हुए रिलेटिव्स की आत्माओं से रिलेट कर देता है, तो कुछ लोग इसे जिन्न के साथ रिलेट करते हैं। डेनमार्क के आसपास के इलाकों में माना जाता है कि ये सब कुछ मेयर नाम का एक क्रीचर करता है। और भैया मेयर का काम क्या होता है, ये सोते हुए लोगों की चेस्ट पर बैठ जाता है और फिर उनको बुरे बुरे सपने दिखाता है। ऐसा लग रहा है कि मेयर के पास कोई काम नहीं है, लोगों की छाती पर बैठ के उनको सपने दिखा रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री में, टिकट भी नहीं ले रहा। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन डेनमार्क के आसपास मेयर नाम के क्रीचर की बहुत सारी कहानियां हैं, लोग इसे बहुत ज्यादा डरते हैं। चलते हैं कनाडा और साउथ कैरोलिना की तरफ, जहां पर भैया स्लीप पैरालिसिस के लिए एक चुड़ैल को जिम्मेदार माना जाता है और इस चुड़ैल का नाम है हैग। ये एक चुड़ैल है जो अपने रात में शरीर त्याग देती है और आत्मा के रूप में घूमती है, लोगों को बुरे सपने दिखाती है और स्लीप पैरालिसिस के लिए भी इसी को जिम्मेदार माना जाता है, केवल कनाडा और साउथ कैरोलिना। फिजी में इस कंडीशन को कहा जाता है काना टेवोरो। इसका मतलब होता है ईटन बाय डीमन, मतलब आपके डेड रिलेटिव्स की आत्मा आपको आकर कॉन्टेक्ट करती है। वो आत्माएं आपको कुछ बताना चाहती है लेकिन वो शैतान के कब्जे में रहती है तो आपको बता नहीं पाती, और इसी कंडीशन के चलते आपको दम घुटने जैसा एहसास होता है। टर्की में स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन को कारा बेसान कहते हैं, काला बेसन नहीं कारा बसान। और उनका भी वही लॉजिक है, वही भूत प्रेत और जिन्न की कहानी, लेकिन इनके पास स्लीप पैरालिसिस से बचने का एक तरीका भी है। टर्की में लोग मानते हैं कि अगर आपको स्लीप पैरालिसिस के समय शैतान की मौजूदगी महसूस होती है तो आपको अल फलक या अल नास कह देना है। केवल ये दो जादुई शब्द या दो में से कोई एक भी अगर आप बोल देते हो तो आपकी छाती पर जो जिन्न बैठा है वो चला जाएगा। खैर इन सब बातों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि सब जगह अलग अलग बातें हैं, लेकिन हर बात का सेंस वही निकल रहा है। बातें वही सोच नहीं, नहीं उल्टा बोल दिया, बातें नहीं सोच वही। मतलब कि रात के समय पे कोई आता है, आपको बुरे बुरे सपने दिखाता है और आपको परेशान करता है। यार रात में तो मैं भी जगता रहता हूँ 3-4 बजे तक, मेरे को तो कोई आता जाता दिखाई नहीं देता। यार अगर कोई भूत वूत सुन रहा है तो भैया आना मत, हो सकता है मैं रात में जागता रहता हूँ इसलिए मैंने इस चीज को महसूस नहीं किया हो। आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। लेकिन टेक्निकली तो मैं ये मानता हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे साइंस है, क्योंकि इंसान अभी तक मनुष्य के शरीर को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाया है। मेडिकल साइंस में स्लीप
पैरालिसिस के मेन रीजन को बताया जाता है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, इम्बेलेंस स्केड्यूल और एडिक्शन ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। कभी कभी स्लीप पैरालिसिस स्ट्रेस की वजह से भी होता है। और भैया आजकल तो हर किसी को स्ट्रेस की बीमारी रहती ही है। लोग भले ही ऊपर से कितना कूल बन जाए लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर कोई ना कोई चिंता जरूर सताती रहती है। और रात के समय में हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये हमारी बॉडी के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है जिसकी वजह से हमें बुरे सपने आते हैं और कभी कभी घबराहट की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो रात के समय ये हमारे दिमाग में होने वाला एक केमिकल लोचा है जिसे लोगों ने भूत प्रेत के साथ जोड़ दिया है। और भैया जिस चीज को इंसान समझ नहीं पाता उसको वो हमेशा ऐसी कहानियों के साथ जोड़ देता है जो सुनने में बहुत मजेदार होती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है स्लीप पैरालिसिस के साथ। ये कुछ भी नहीं है, केवल हमारे दिमाग की कारिस्तानी है। ये तो था मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है, ये हमारे दिमाग का केमिकल लोचा है या फिर वाकई में दूसरी दुनिया से शैतान आता है रात के समय हमें परेशान करता है? मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो, मजा आया हो देखने में, तो लाइक जरूर करना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। और हाँ, नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले अड़ू वीडियो में।